मूवी की शुरुआत फिलाडेल्फिया में फायर फाइटर कूपर से होती है। वो अपनी बेटी रीले को एक कंसर्ट में ले जा रहा है। वेन्यू के बाहर वो लेडी रेवन नाम की गायिका को उसकी बस से उतरते हुए देखने के लिए लड़कियों की भीड़ में शामिल होते हैं। फिर वो प्रवेश द्वार पर लाइन में लगते हैं और कूपर आसपास कुछ पुलिस कर्मियों को देखता है। अंदर पहुंचने पर उसे और भी अधिकारी दिखाई देते हैं। कूपर अच्छे पिता बनने की कोशिश करता है और जब रीले ग्रुप डांस में शामिल होती है तो उसका वीडियो बनाता है और उसके लिए कुछ स्नैक्स भी खरीदता है। वो रीले से बात करता है और जानता है कि स्कूल में बाकी कि हमेशा उसे अलग कर देती है। जब वो चारों ओर घूमते हैं तो कूपर और भी पुलिस कर्मियों और अतिरिक्त सुरक्षा कैमरों को देखता है। अंततः वो अपनी सीट पर पहुंचते हैं और शुरुआती बैंड को सुनते हैं, जबकि कूपर देखता है कि उस इलाके में भी पुलिस कर्मी है। कंसर्ट शुरू होता है और कूपर को चीख पुकार से बचने के लिए अपने कान ढकने पड़ते हैं। कुछ गानों के बाद वो रीली से कहता है कि वो बाथरूम जा रहा है। हालांकि बाथरूम में पहुंचने के बाद वो वास्तव में अपने फोन से एक सुरक्षा कैमरे की जांच करता है। असल में कूपर एक सीरियल किलर है और वो अपने नए शिकार स्पेंसर को देख रहा है, जिसे उसने अपने गुप्त घर में बंद कर रखा है। फिर कूपर अपने हाथ धोता है और उसे अपनी माँ का भ्रम होता है, जैसे कि वो वहीं पे खड़ी हो। जैसे ही और पुलिस वाहन वेन्यू को घेर लेते हैं, कूपर बाथरूम से बाहर आता है और उसे जोड़ी की माँ रोक लेती है। वो समझाती है कि कभी कभी किशोर अजीब होते हैं और वादा करती है कि उसकी बेटी जल्दी ही रीले को गतिविधियों में शामिल करना शुरू कर देगी। कूपर अपनी सीट पर लौट आता है ठीक उसी समय जब रेवन अपने लापता पिता के बारे में बात कर रही होती है और बताती है कि कैसे उसने आगे बढ़ना सीखा। वो अपने प्रशंसकों से अपने फोन की फ्लैशलाइट चालू करने के लिए कहती है और पूरा जगह रोशनी से भर जाता है जब वो पियानो बजाती है। उसी समय कूपर देखता है कि पुलिस भीड़ में से एक व्यक्ति को ले जा रही है। उसके पीछे कुछ और अधिकारी लाइन में खड़े होते हैं। इंटरमिशन के दौरान कूपर और रीले एक टी शर्ट खरीदने जाते हैं, लेकिन उसकी साइज की कोई टी शर्ट नहीं होती। विक्रेता जेमी वादा करता है कि और टी शर्ट आ रही है और कूपर इस मौके का फायदा उठाकर पुलिस के बारे में पूछता है। जेमी कहता है कि यह एक राज है, लेकिन फिर भी बता देता है कि पुलिस को पता चल गया है कि द बूचर नाम का सीरियल किलर कंसर्ट में आने वाला है, इसलिए वो उसे ढूंढने आए हैं। हर व्यक्ति जो बाहर जा रहा है उसकी जांच की जा रही है और सभी एग्जिट सिवाय बैक स्टेज के पुलिस की निगरानी में है। कूपर अजीब तरह से हंसता है क्योंकि वही द बूचर है। इसके बाद कूपर रीले को वेन्यू के चारों ओर घुमाता है, यह दिखाते हुए कि वो स्नैक्स लेना चाहता है, जबकि असल में वो एग्जिट को देख रहा होता है और इस बात की पुष्टि कर रहा होता है कि सभी पुलिस द्वारा ब्लॉक किए गए हैं। कूपर सीढ़ियों के पास खड़ी एक नशे में धुत महिला को देखता है और उसे चुपके से धक्का दे देता है ताकि वो गिर जाए। प्रवेश द्वार पर मौजूद पुलिसकर्मी उसकी जांच करने के लिए दौड़ते हैं और कूपर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बाहर और भी पुलिसकर्मी दिखाई देते हैं। अब कोई रास्ता ना होने पर वो रीले के साथ वापस कंसर्ट में लौट आता है। लेडी रेवन घोषणा करती है कि एक विशेष मेहमान आने वाला है और मंच पर एक प्लेटफॉर्म नीचे से ऊपर की ओर उठता है और एक दूसरा गायक आता है। कूपर खुली हुई हैच को घूरता है और रीले से कहता है कि इसमें उतरना कितना मजेदार होगा, ताकि यह पता चल सके कि यह कहां तक जाती है। लेकिन रीले उसके अजीब व्यवहार को लेकर सवाल उठाती है। अब संदेह ना होने देने के लिए उसे वहीं रुकना पड़ता है और वो निराशा के साथ हैच को बंद होते हुए देखता है। फिर कूपर टी शर्ट स्टैंड पर लौटता है और देखता है कि जेमी सप्लाई रूम की ओर जा रहा है, तो वह भी उसके साथ जाता है। वो नोटिस करता है कि जेमी कमरे में एक्सेस के लिए एक की कार्ड का उपयोग कर रहा है। फिर जब वो अंदर होते हैं तो वो बक्से उठाने में मदद करने का नाटक करता है ताकि की कार्ड चुरा सके। द बूचर का विषय आता है और जेमी कबूल करता है कि वो इस मामले को जुनूनी रूप से फॉलो कर रहा है और उसके फोन में पीड़ितों की कुछ तस्वीरें भी होती है जिन्हें काटा हुआ दिखाया गया है। आज के लिए सभी कर्मचारी को विशेष प्रशिक्षण दिया गया था और उन्हें एक पासवर्ड भी दिया गया है जो कि हैमिल्टन है। आखिरकार टी शर्ट मिलने के बाद कूपर जेमी के की कार्ड का उपयोग करके कर्मचारियों के ब्रेक रूम में चुपके से घुस जाता है। पुलिस वहां मौजूद होती है और उनके पास जो जानकारी होती है उस पर चर्चा कर रही होती है। वो इस बात पर सहमत होते हैं कि अगर उन्हें द बूचर मिल जाता है तो उन्हें उसे आम नागरिकों से दूर ले जाना होगा। कूपर जेमी का कार्ड अपनी जैकेट पर लटकाकर कर्मचारी होने का नाटक करता है और टेबल तक पहुंचने के लिए समूह के बीच से गुजरता है ताकि वो उनकी बातों को बेहतर तरीके से सुन सके। पास में ही उसके द्वारा किए गए अपराध स्थल की कुछ तस्वीरें होती हैं। जब एक पुलिसकर्मी चीनी मांगता है तो कूपर तुरंत उसे ढूंढकर दे देता है ताकि वो मददगार और सहयोगी लगे। बाहर जाते समय कूपर एक पुलिस बैग से रेडियो चुरा लेता है। कॉरिडोर में कूपर फिर से जोड़ी की माँ द्वारा रोका जाता है और जब वो उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करता है तो वो गुस्सा हो जाती है। उनकी बहस दो पुलिसकर्मियों का ध्यान खींचती है, लेकिन तभी एक आदमी की चीख सुनाई देती है जिससे वे दोनों पुलिसकर्मी बाधित हो जाते हैं। वे जल्दी से प्रवेश द्वार की ओर भागते हैं जहां अन्य पुलिसकर्मी एक आदमी को गिरफ्तार कर रहे होते हैं। इस बार कूपर उन पुलिसकर्मियों के बीच जोसेफिन को भी देखता है। अपनी सीट पर लौटकर कूपर चुपके से एक ईयरबड लगाता है और पुलिस रेडियो सुनता है। उसे पता चलता है कि पुलिस ने पहले ही पुष्टि कर ली है कि जिस व्यक्ति को उन्होंने गिरफ्तार किया था वो गलत आदमी था। वो सिर्फ एक चोर था जो घबरा गया था क्योंकि उसने सोचा कि पुलिस उसे पकड़ने आई है। कुछ अधिकारी सीटों के बीच से गुजरते हुए एक आदमी को
गिरफ्तार करने जाते हैं और कूपर पुलिस रेडियो पर उन लोगों का विवरण सुनता है जिन्हें ढूंढना जा रहा है। उनमें से एक विवरण कई ऐसे व्यक्ति का होता है जो 30 साल का है और सफेद पुरुष है और उसके दाहिने हाथ पर जानवर का टैटू है जो कि कूपर पर पूरी तरह से फिट बैठता है। सौभाग्य से उसे एक लड़की के बैग पे एक ब्रेसलेट मिलता है और वो उसे अपने टैटू को ढकने के लिए पहन लेता है। वेन्यू का नक्शा फोन पर देखकर वो रीली से कहता है कि उसने अपना क्रेडिट कार्ड टी शर्ट के स्टैंड पर ही छोड़ दिया है और वो उसे लेने के लिए निकल जाता है। रेडियो पर कूपर सुनता है कि FBI इमारत के चारों ओर टेंट लगा रही है और मुख्य सड़कों पर बैरिकेडिंग बना रही है। वो आग के अलार्म को खींचने का विचार करता है लेकिन देखता है कि एक सुरक्षा कैमरा उसे देख रहा है। तभी वो जोसफिन को यह अनुमान लगाते हुए सुनता है कि शायद किलर अलार्म बजाने का तरीका आजमाएगा, इसलिए वो बर्गर स्टैंड में घुसकर फायर में गड़बड़ी करता है और उसके जाने के बाद एक कर्मचारी फ्राइड चेक करती है और देखती है कि गरम तेल में दो बोतलें तैर रही है। अचानक बोतल फट जाती है और ग्राहक डर के मारे चिल्लाने लगते हैं जिससे पुलिस का ध्यान उसकी ओर जाता है। हर किसी का ध्यान बटा हुआ होता है और उसी दौरान कूपर एक एप्रेन चुराता है और उसे पहनकर छत पे चला जाता है। वहाँ भी पुलिसकर्मी होते हैं इसलिए कूपर उन्हें बताता है कि रसोई में हुए हादसे के बाद से उसे थोड़ी ताजी हवा चाहिए थी। पुलिसकर्मी रेडियो पर उसकी कहानी की पुष्टि करते हैं लेकिन फिर भी कोड पूछते हैं तो कूपर हैमिल्टन कहता है। इसके बावजूद वो पूरी तरह से आश्वस्त नहीं होते और उससे उसका कोड मांगते हैं। सौभाग्य से कूपर को एप्रेन की जेब में एक बटुआ और वेन्यू कार्ड मिलता है जो पुलिसकर्मियों को संतुष्ट कर देता है। जाने से पहले वो जोसफिन के बारे में पूछता है। पुलिसकर्मी बताते हैं कि वो एक प्रोफाइलर है जिसने पहले कई सीरियल किलर्स को पकड़ा है। जब वो नीचे लौटता है तो कूपर देखता है कि कर्मचारी को गंभीर जलन हुई है और उसे अपनी माँ का भरम भी बगल में खड़ा दिखाई देता है। इसके बाद कूपर रीले को ढूंढता है जो उसके अजीब व्यवहार को लेकर चिंतित है। कूपर उसे बताता है कि वो जोड़ी की माँ से घिर गया था और रीले उसे कहती है कि अब उसके सहपाठी की चिंता ना करे क्योंकि उसने अपनी बगल में बैठी लड़कियों से दोस्ती कर ली है। जब वे अपनी सीट पर लौटते हैं तो रीले बताती है कि यह वह हिस्सा है जहाँ लेडी रेवन एक लड़की को मंच पे बुलाती है और उसे बैक स्टेज तक ले जाती है। अब इसे एक अवसर के रूप में देखते हुए कूपर एक भीड़ नियंत्रक के पास जाता है और उसे बताता है कि रीले हाल ही में ल्यूकेमिया से उभरी है और लेडी रेवन उसकी प्रेरणा रही है। अब पुलिसकर्मी कूपर के पास आते जा रहे होते हैं लेकिन सौभाग्य से उसकी योजना काम कर जाती है और रीले को मंच पर जाने के लिए चुना जाता है। उन दोनों को बैक स्टेज का पास दिया जाता है और हैंडलर एक पुलिसकर्मी से बात करता है ताकि उन्हें आगे जाने दिया जाए। रीले बहुत नर्वस होती है लेकिन जब रेवन उसे बुलाती है तो वो अंदर चली जाती है और कूपर अपनी बेटी की खुशी का आनंद लेने की कोशिश करता है जबकि अपने आसपास मौजूद पुलिसकर्मियों को नजरअंदाज करता है। भीड़ में जोड़ी और उसकी माँ गुस्से में होते हैं क्योंकि रीले मंच पे होती है। गाना खत्म होने के बाद कूपर देखता है कि एक लड़की बेहोश हो जाती है और वह उसे उठाकर काम करने वालों से उसे आराम करने के लिए कोई जगह देने को कहता है मगर जब जोसफिन उसे देखने वाली होती है ठीक उसी समय उसे बैक स्टेज पर ले जाया जाता है। कूपर बीमार लड़की को शांत होने में मदद करता है और उसे जूस भी देता है। मैनेजर उसके सहयोग के लिए बहुत आभारी होती है और उन्हें कंसर्ट के अंत तक मंच के पास से देखने की अनुमति देती है। कूपर उससे पूछता है कि क्या वे भीड़ से बचने के लिए बैक स्टेज के दरवाजे से निकल सकते हैं और मैनेजर हाँ कहती है। कंसर्ट खत्म होते ही कूपर रेडियो पर सुनता है कि वेन्यू से बाहर निकलने वाले हर व्यक्ति की जाँच की जाएगी। हालांकि जब कूपर रीले के साथ निकलने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि बैक स्टेज का दरवाजा भी पुलिस द्वारा ब्लॉक किया गया है। पास के एक कमरे में कूपर जोसफिन को लेडी रेवन से यह कहते हुए सुनता है कि कैमरों में कंसर्ट में आए हर व्यक्ति की तस्वीर और डेटा होंगे। अब हताश होते हुए कूपर रेवन के पास जाता है और रीले की बीमारी के बारे में निजी तौर पर बात करने की बात कहता है। वे दोनों उसके ड्रेसिंग रूम में जाते हैं और कूपर कबूल करता है कि वही द बूचर है। वो अपना फोन निकालता है और उसे स्पेंसर की तस्वीर दिखाता है जो कि एक सेल में बंद है। फोन में एक बटन होता है जिसे दबाने से उस सेल में कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ा जा सकता है जिससे स्पेंसर की मौत हो जाएगी। इससे पहले कि पुलिस उसे ढूंढ सके कूपर कहता है कि अगर रेवन सहयोग करती है तो वो स्पेंसर को छोड़ देगा। इसके बाद रेवन पुलिस को बताती है कि कूपर और रीले उसके साथ लिमोजीन में जा रहे हैं जिससे वे बिना जाँच के पुलिस से बचकर निकल जाते हैं। अब मुख्य प्रवेश द्वार पर भीड़ को चेकिंग के कारण रोका जाता है और जोसफिन इस बात को लेकर चिंतित होती है कि अब तक कोई परिणाम नहीं मिला। सफर के दौरान कूपर ड्राइवर को बताता है कि उसने अपनी कार कहां पार्क की है ताकि वह उसे वहां उतार सके। हालांकि रेवन रीले से पूछती है कि क्या वह उसके घर जा सकती है। रीले उत्साहित हो जाती है और अपनी माँ से अनुमति लेने के लिए कॉल करती है, इसलिए कूपर सिर्फ मुस्कुरा सकता है और ड्राइवर को अपने घर का पता देता है। कुछ देर बाद कूपर की पत्नी रेचल और उसका बच्चा उनका स्वागत करते हैं। जैसे वे घर के अंदर जाते हैं कूपर रेवन को याद दिलाता है कि अगर उसने कुछ भी गलत किया तो वो स्पेंसर को मार देगा। कॉफी और केक के दौरान रेचल कंसर्ट के बारे में पूछती है और रेवन उसे पुलिस ऑपरेशन के बारे में बताती है जो द बूचर को पकड़ने के लिए चलाया जा रहा था। FBI को बूचर को एक नकली घर में से एक कंसर्ट टिकट की रसीद मिली थी, इसलिए उन्होंने रेवन से संपर्क करके
करके योजना बनाई। जोस्विन काफी समय से बूचर की प्रोफाइलिंग कर रही थी और उसने निष्कर्ष निकाला था कि वो एक 30 या 40 साल का श्वेत व्यक्ति है जो एक पराधिकारी स्थिति में है और गहरे रंग की कार चलाता है और संभवत है कि उसे OCD है और उसकी माँ के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण थे। कूपर इन बातों को सुनकर असहज हो जाता है क्योंकि यह सब उस पर पूरी तरह से सटीक बैठता है। वो समय का हलावा देते हुए कहता है कि बहुत देर हो रही है। हालांकि रेवन परिवार के पियानो पर एक गाना बजाने की पेशकश करती है और रीले को अपने बगल में बैठाती है और उसका फोन चुरा लेती है। गाना खत्म होने के बाद रेवन कहती है कि उन्हें एक सेल्फी लेनी चाहिए, लेकिन रीले अपना फोन नहीं ढूंढ पाती। इस पर रेवन कहती है कि वो कूपर का फोन इस्तेमाल कर सकती है और कूपर के हाथों से उसका फोन ले लेती है। सेल्फी लेने के बाद रेवन बाथरूम का बहाना बनाती है और फोन लेकर अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। कूपर दरवाजे पे जोर जोर से दस्तक देने लगता है जिससे उसका परिवार उसके अजीब व्यवहार से हैरान हो जाता है। इस बीच रेवन फोन को अनलॉक करती है और स्पेंसर से बात करती है और उससे पूछती है कि उसे उस इलाके के बारे में क्या क्या याद है जहां वो कैद है। स्पेंसर दरवाजे के रंग और एक पास के प्रतिमा के बारे में जानकारी देता है। फिर रेवन अपने फोन पर एक लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देती है। वो अपने फॉलोअर्स को स्पेंसर द्वारा बताए गए सभी विवरणों के बारे में पूछती है जब तक कि एक व्यक्ति स्थान को पहचान नहीं लेता और वो पुलिस को सूचित करता है। रेवन अपने ड्राइवर को भी मैसेज करती है जो अभी भी बाहर है और उसे पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है। जब वो कूपर के फोन की जांच करती है तो लॉक स्क्रीन गायब हो जाती है। फिर रेवन चिल्लाती है कि कूपर ही बूचर है। दरवाजे के दूसरी ओर अजीब आवाजें और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है और अचानक दरवाजा खुल जाता है जिससे एक बहुत ही नर्वस कूपर सामने आता है। कूपर अपना फोन लेकर स्पेंसर की स्थिति चेक करता है लेकिन उसे स्पेंसर गायब मिलता है। इसके बाद कूपर रेवन को गैराज में ले जाता है जहां वो अपना अपराध बैग उठाता है और रेवन को रेचल की कार में ढकेल देता है क्योंकि जोस्फिन ने उसके वाहन के रंग के बारे में सही कहा था। रेवन उसे मात्र सुलभ स्वर और शब्दों का उपयोग करके बात करने की कोशिश करती है लेकिन कूपर नहीं मानता। वो घोषणा करता है कि वो रेवन को अपनी आखिरी हत्या के रूप में मार डालेगा और फिर आत्म विनाश कर लेगा ताकि यह राक्षस समाप्त हो सके। जब कूपर गैरेज खोलता है तो वो पाता है कि उसका परिवार रास्ते को ब्लॉक कर रहा है। उसने उन्हें रीले के कमरे में बंद कर दिया था लेकिन खिड़की और उसके बगल में पेड़ के बारे में भूल गया था। कूपर सदमे में है क्योंकि उसकी दो जिंदगी अब एक दूसरे से टकरा गई है और रेवन इस मौके का फायदा उठाकर कार से बाहर निकल जाती है। उसी समय पुलिस भी आ जाती है और परिवार को सुरक्षा में ले जाती है जबकि कूपर अपनी अलमारी में जाकर कुछ चीजें हिलाने लगता है। रेवन अपनी लिमोजीन में चढ़ जाती है और उसके ड्राइवर के बजाय एक पुलिसकर्मी उसे ले जाता है। पुलिसकर्मी घर में घुसते हैं और एक छिपे हुए सुरंग का पता लगाते हैं जो कूपर के पड़ोसी के यार्ड में निकलता है। कुछ समय बाद लिमोजीन रुक जाती है और पुलिसकर्मी पीछे की सीट पर आता है और रेवन को एक धातु की छड़ से हथकड़ी लगाता है और पता चलता है कि पुलिसकर्मी कूपर है जो कि पुलिस की वर्दी पहनकर अपने घर से भागने में सफल रहा है। फिर कूपर गाड़ी चलाना जारी रखता है और घोषणा करता है कि वो रेवन को अपनी एक गुप्त जगह पे ले जाएगा और उसे मार देगा। यह इच्छा उसे तब से है जब से उसने उसे मंच पे देखा था। जब लिमोजिन एक लाल बत्ती पे रुकती है तो रेवन खिड़की खोल देती है और लोगों से पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है। अब एक भीड़ कार के चारों ओर इकट्ठा हो जाती है और उसे आगे बढ़ने नहीं देती। कूपर नोटिस करता है कि उसकी पत्नी ने कार में कुछ कपड़े छोड़े हैं और रेवन अपने हथकड़ी के साथ संघर्ष करती रहती है जब तक कि धातु की छड़ टूट नहीं जाती। वो लिमोजिन से बाहर निकल जाती है और उसी वक्त पुलिस आती है जिससे भीड़ घबराकर पीछे हट जाती है। अधिकारी गोलीबारी करते हैं और लिमोजिन को नष्ट कर देते हैं लेकिन जब वो अंदर देखते हैं तो गाड़ी खाली मिलती है। कूपर एक हुडी पहनकर भीड़ में निकलने में सफल हो गया था। इसके बाद रेवन अपराध किए गए घर के पास जाती है जहां वो अपने फैन को मदद के लिए धन्यवाद देती है और बचाए गए स्पेंसर की जांच करती है। इस बीच रेचल बच्चों को अपनी बहन के पास छोड़ने के बाद अपने घर लौटती है और जोस्पिन मानती है कि उसे भी छिपना चाहिए लेकिन रेचल यहां रहना चाहती है। कुछ पुलिसकर्मी को बाहर तैनात करने के बाद जोस्पिन चली जाती है। रेचल वीडियो देखती है जो सुरक्षा कैमरों से मिला है जिसमें स्पेंसर का अपहरण किया गया था और चाय बनाती है। अचानक वो कूपर द्वारा चौंक जाती है जो कि बिना दिखे घर में घुस गया है। कूपर सोचता है कि उसकी पत्नी ने ही उसे फंसाया है इसलिए रेचल को उसे स्वीकार करना पड़ता है। कुछ हफ्ते पहले उसे शक हुआ था कि कूपर का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। हालांकि उसने महसूस किया कि यह कुछ और ही है क्योंकि उसके कपड़े अस्पताल के सफाई के तरल पदार्थों की गंध से भरे हुए थे और उसने उसे पड़ोसी के सामने इतनी विश्वास से झूठ बोलते हुए भी सुना था। एक दिन रेचल ने कूपर का पीछा करके उसे उसके दूसरे घरों में से एक पर पाया और वहां एक टिकट की रसीद छोड़ दी। फिर अनाम रूप से पुलिस को कॉल किया यह आशा करते हुए कि वे उसे गलत साबित कर देंगे। कूपर गंध के कारण अपनी शर्ट उतारता है और एक चाकू उठाता है हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। रेचल उसका ध्यान भटकाने के लिए कहती है कि वो रीले द्वारा बनाई गई पाई को खत्म कर दे क्योंकि आज एक उत्सव का दिन था। कूपर रेचल को एक बाइट लेते हुए देखकर खाने के लिए राजी हो जाता है। वह बताता है कि मृत लोग आमतौर पर उसे
शांति का एहसास कराते हैं, लेकिन रेचल ने उसे गुस्सा दिला दिया है, इसलिए वो उसे मारना चाहता है और फिर आत्मविनाश करना चाहता है। अचानक कूपर को चक्कर आने लगता है और उसे महसूस होता है कि रेचल ने उसके अपराध बैग में से सोडियम की गोलियां निकाल ली थी जिन्हें उसने पाई में मिलाया था। जैसे ही कूपर उठता है वो अपनी माँ की आवाज़ सुनता है और उसे दरवाजे पर देखता है जो उसे एक राक्षस कह रही थी। कूपर रोता है और अपनी माँ की ओर बढ़ने की कोशिश करता है, तभी पुलिस उसे चारों ओर से घेर लेती है और वो उसे टेज करती है। अब गुस्से से भरा कूपर एक पुलिस अधिकारी से निपटता है और उसे नष्ट कर देता है, लेकिन जब वो दूसरे अधिकारी की ओर बढ़ता है तो जोस्पिन एक और टेजर के साथ शामिल हो जाती है और उसे सफलतापूर्वक गिरा देती है। जब हथकड़ी पहनाकर कूपर को घर से बाहर खींचा जाता है तो वो एक सेकंड के लिए रीले की गिरी हुई साइकिल को उठाने का अनुरोध करता है। उसी समय पुलिस बच्चे को वापस लाती है और उसे ले जाने से पहले रीले अपने पिता को गले लगाती है। अब पुलिस ट्रक के पीछे कूपर अपने हाथ की हथकड़ी खोलने के लिए साइकिल के एक स्पोक का उपयोग करता है और हंसते हुए अपने प्लान की चर्चा करता है। बाद में जेमी कूपर का चेहरा न्यूज पर देखता है और घबरा जाता है क्योंकि उसने एक अपराधी की मदद की थी। और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर मूवी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।